तो यहाँ दोस्तों हमारा पूरा कचौड़ी बन के तैयार हो गया। देखिए एक थाली में पूरा बन गया है। तो ये देखिए आज मैं सब्जी नहीं बना पाई, सब्जी ला ही नहीं मिला शाम को। तो बच्चे सब चले गए स्कूल पर और पढ़ने चले गए हैं और मैं झाड़ू लगाना बिल्कुल खत्म था और प्याज भी नहीं बनने जा रहा है और धनिया की पत्ती मटर बिल्कुल छीन चुके हैं। और तो दोस्तों यहाँ हरे मटर का टिक्की बना है और सभी लोग जा रहे हैं सब खाने। तो दोस्तों ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो नमस्ते कर लो सब लोग। सभी दीदी भैया को राम राम। तो लास्ट तक वीडियो देखना, आप सबको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ बनाने जा रही हूँ आलू का कचौड़ी और यहाँ मैं आलू का ये देखिए मसाला बना के रख दी हूँ और साइड में रख देते हैं। तो चलती हूँ कचौड़ी बना लेते हैं। देखिए हमने गील सा ये आटा तैयार की हूँ, ये मैदा है और रिफाइंड तेल में इसको गूंथी हूँ। तो दोस्तों हमने आटा तैयार कर ली हूँ, आटा में अजवाइन भी मिलाई थी और देखिए गील सा आटा लगाई हूँ। तो और यहाँ लोहिया मैं तोड़ ले रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह मैं कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ कचौड़ी को कुछ इस तरह देखिए आटा कितना हमारा गीला है और ये रबड़ की तरह फैल रहा है और इसी में मैं आलू को भरूंगी और इसको फोल्ड कर दूंगी। तो दोस्तों तेल हमारा गरम हो चुका है, तेल हमारा गरम हो चुका है रिफाइंड का। अब इसमें डाल देते हैं तलने के लिए। तो इसी तरह दूसरा भी बना लेते हैं। तो दूसरा धान को डाल देते हैं और अभी हमारा कचौड़ी फूली फूली निकलेगा। तो दोस्तों हमारा कचौड़ी देखिए कुछ इस तरह फूला हुआ है, अब इसको भी पलट देते हैं। कुछ इस तरह हमारा कचौड़ी बन के तैयार हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से ये फूल गया है। अब इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह कचौड़ी बन रहा है। तो हम बना लेते हैं पूरा कचौड़ी, दिखाते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारा पूरा कचौड़ी बन के तैयार हो गया। देखिए एक थाली में पूरा बन गया है। तो ये आलू का कचौड़ी आप सबको कैसा लगा? समोसा का आलू जैसे बनता है मसाला उसी तरह बनाई हूँ और कचौड़ी कुछ इस तरह बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ मैं रोटी बना दी हूँ और बच्चे जा रहे हैं पढ़ने। तो आज मैं सब्जी नहीं बना पाई, सब्जी ला ही नहीं मिला शाम को। तो अचार और रोटी लेकर जाएंगे स्कूल में और मैं चाय और सब नाश्ता कर लिया है। अभी 3 बजे आ जाएंगे पढ़ के। तो हर दिन इसी तरह जाते हैं स्कूल। तो कितने रोटी रखे? कितना रोटी? 5 रोटी। तो देखिए कितना मतलब वही काम दोहरा फिरा कर कर रहे हैं। तो यहाँ मैं टिफिन में रख दी हूँ रोटी को और आज अचार रोटी लेकर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी दाल चावल में तो अभी दाल चावल मैं बना के तैयार कर दूंगी दोस्तों और इन सबको सुबह सुबह तैयार करके भेजना होता है। तो देखिए तैयार हो गए हैं। तो अंजलि जाना है स्कूल? उनको नहीं जाना है। तो हमारी दीदियाँ कहती हैं अंजलि को भी भेजा करो। तो अभी अंजलि को आपकी नहीं अगले साल से भेजेंगे, ट्यूशन जाती है पढ़ने। तो अचार निकाल लो और टिफिन में रख लो, ले जाओ। खाना रख दी हूँ और अचार तो इसमें खत्म है डिब्बे में, अंदर से ले आओ। तो तैयार कर दी हूँ दोस्तों, ये सब अब भी जा रहे हैं पढ़ने। दोस्तों बच्चे सब चले गए स्कूल पर और पढ़ने चले गए हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। इधर साइड सफाई पूरा कर ली हूँ और हमने खाना भी बना ली हूँ। तो यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। दोस्तों चंदन के पापा गए थे चौराहे पे तो यहाँ सामान लेकर आए हैं, मिर्चा है तो मैं ले चलती हूँ, टोकरी में रखाती हूँ। झाड़ू लगा ली हूँ, द्वारे का झाड़ू आंगन का लगाना है। तो दोस्तों सब्जी बिल्कुल खत्म हो गई थी और इसमें टमाटर रख देती हूँ और यहाँ अदरक। तो अदरक सब सारा सामान
बिल्कुल खत्म था और प्याज भी नहीं था, तो प्याज भी रख देते हैं। अब ये दोस्तों सब्जी रखने में अच्छा होता है और सब्जी सड़ती गलती भी नहीं है और सब्जी आजकल तो पॉलीथीन में ही आने लगा है। तो इधर धनिया की पत्ती था शायद दुकान वाले भैया रख दिए हैं, तो ऐसे रख देते हैं। तो ये तो मिर्चे तो गिर जाते हैं दोस्तों जाली से नीचे। और इधर सब सामान, हरा मटर इसी में रहने देते हैं, शाम को मटर बन जाएगा। और ये मिर्ची दो पॉलीथीन में आ गया है। तो हमारी सब्जी इतना रख उठा, अब ले चलती हूँ उस घर में रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ हवा और आजकल धूप थोड़ा होने लगा है तो यहाँ सूख जाएगा सब्जी। उस दरवाजे वाले में नहीं धूप लगता ज्यादा। तो दोस्तों रख देते हैं उस घर में उठा के सब्जी को। तो दोस्तों यहाँ मटर हम सब छील रहे हैं, देखिए मटर की रेसिपी बनने जा रहा है। और धनिया की पत्ती, मटर बिल्कुल छील चुके हैं और यहाँ दो प्याज और मिर्ची बर्तन सब मतलब लिपाई करके तैयार होकर और यहाँ वीडियो इनका बनवा रही हूँ, अपने चैनल पे थोड़ा सा शूट कर रही हूँ। तो यहाँ मटर का छिलका रख दिए हैं और बर्तन में धुल ली हूँ। तो चलते हैं हम सब रेसिपी बनाते हैं। और सभी दीदी भैया को राम राम। तो दोस्तों यहाँ हरे मटर का टिक्की बना है और सभी लोग जा रहे हैं हम सब खाने। और यहाँ चटनी में दे रही हूँ, तो दीक से दिखा दो चंदन। तो दोस्तों ये हरे मटर का कुछ इस तरह टिक्की बना हुआ है, साथ में हरी धनिया और इमली की चटनी, तो हम सब खाने जा रहे हैं। तो अभी हाथ जल जाएगा अंजलि, ये लो खा लीजिए। तो यहाँ हम सब खा लीजिए, निकालो खा लीजिए। तो यहाँ हम सब जा रहे हैं खाने और बताना कैसे बना है। खाकर अच्छा लगा, खाकर अच्छा लगा। हम सब जा रहे हैं खाने, आप सब्जी अभी खा लीजिए, खाकर मजा आ गया। तो दोस्तों ये साथ में इमली का चटनी जो है इसको और अच्छा बनाता है। तो हरा मटर का ये रेसिपी बना है दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप सबसे एक शिकायत कर रही हूँ कि इस चैनल पर अब जब ब्लॉग का वीडियो डालती हूँ तो अच्छा खासा चलता है, जितना चलना चाहिए। अब रेसिपी का वीडियो इस पर डालते हैं तो उतना नहीं चलता है दोस्तों। तो कई हमारी बहनें पूछी थी कि संगीता जी अब रेसिपी का वीडियो क्यों नहीं डालती हो। तो रेसिपी इतना मेहनत करके हम बनाते हैं, 10,000-11,000 से ज़्यादा नहीं चलता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं सोच ली हूँ इनके चैनल पर रेसिपी का वीडियो बराबर जाएगा और हमारे वाले पे रहेगा। तो आप सबका जो रिक्वेस्ट होगा रेसिपी बनाने के लिए, जब बनाना तो मैं बनाऊंगी, लेकिन दोस्तों इस पर ब्लॉगिंग ही ज़्यादा करेंगे। आप समझ सकते हैं जो ज़्यादा जिस काम में सफलता मिले वही काम करना चाहिए। तो क्योंकि हम आज लगातार 4 महीने या 3 महीने से इस पर डेली ब्लॉग ही डाली हूँ, तो ब्लॉग ही हमारे सभी भाई बहन को पसंद है। और जो रेसिपी देखते हैं तो इनके चैनल पर जाना दोस्तों, दुलारे का किचन, उस पर आप सबको रेसिपी मिलेगा। अब हम सब रेसिपी ही बना के डालेंगे और उस पर आप सब रिक्वेस्ट भी करोगे जो रेसिपी देखना होगा, तो हम सब वो रेसिपी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों बजट के अनुसार, जितना हम सबके पास बजट होगा उसी हिसाब से बना पाएंगे। हमारे वाले चैनल पे दुलारे का किचन, तो हम और चंदन की मम्मी बनाते हैं, आप सब जरूर आना देखने। हाँ दोस्तों, तो हम और चंदन के पापा वहाँ पर रेसिपी बनाते हैं। हम सब खा चुके हैं और सबको अच्छा लगा ना? हाँ, तो यहाँ सब लोग खा लिए। इमली की चटनी देखिए इतना अच्छा बना था, सब खा दे। और एक दिन हमारी दीदी बोली थी एक दो दिन तो समोसा बनाई थी, तो उन्होंने देखकर बोले थे इतना खाते हो हमारे समझ में नहीं आता है कितना खाते हो। तो हाँ दोस्तों, हम सबका कोई जैसे सुबह से लेकर सुबह बच्चे उठते हैं तो चाय हो गया, नमकीन नाश्ते में हो गया, फिर उसके बाद में खाना खा लिए, फिर दौड़ धूप के खेल कूद कर आए, फिर खाना
खा लेते हैं, 3-4 बार हो जाता है खाना। ऊपर का चीज कोई नहीं रहता, जैसे कोई घर पे बना तो वो चीज खा लेते हैं। अब तो दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर रील्स वीडियो डालते हैं दोस्तों, आप सब देखना। जो भी अच्छा बुरा जो भी है दोस्तों, आप सबके सामने है, देखना जरूर। वहाँ गुंजन शीतल हमारी खूब डांस करती हैं। तो दोस्तों ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ रोटी चावल बना ली हूँ, सब्जी हमारा पक रहा है, तो टमाटर और आलू की सब्जी। अंजलि रो रही है, सो रही है, वो तो सोते में बोल रही है। अभी हमारा खाना बन जाएगा तो दिखा दो चंदन, चावल रोटी बन गया है। चलो तो यहाँ हमने रोटी बना लिए हैं दोस्तों, और यहाँ चावल भी बन के तैयार हो गया है, अभी सब्जी बन रहा है। तो यहाँ अंजलि को स्वेटर पहना रहे हैं चंदन के पापा, ये नींद में है तो इसको जगा कर खाना खिलाना पड़ेगा, वैसे अंधेरा आता होगा, अंधेरे में बैठी है अंजलि हमारी। नहीं अभी बोल देती ललकी बटनिया कर लिया कर दो। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। खाकर मजा आ गया था, बहुत मस्ती, सबको बहुत मजा आया खाकर।